हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये जो शिक्षा का जो फिलॉसफी का पेपर है और फिलॉसफी और सोशोलॉजी दोनों ही इस पार्ट के अंतर्गत आती हैं, तो शिक्षा से संबंधित कुछ शब्द मैंने लिए हैं जो आपको आगे चलकर कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये कुछ शब्द हैं और उनके अंतर को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर होता है, शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर होता है, शिक्षा और विद्यालयीकरण में क्या अंतर होता है, शिक्षा और प्रतिपादन में क्या अंतर होता है और शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर होता है। क्योंकि कई बार भ्रम से सबको एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को अगर आप समझ लेंगे तो पूरा पेपर बड़ी अच्छी तरह से आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं शिक्षा और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। तो शिक्षा और अनुदेशन को समझिएगा, आराम से देखिएगा। हिंदी में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, शिक्षा अनुदेशन, शिक्षा प्रशिक्षण, सब कुछ एक ही चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश हमको बिल्कुल सही करके बताती है, शिक्षा का मीनिंग जो है वो एजुकेशन है और अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन है। तो एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग आपको दिख रही होंगी। हालांकि दिख तो हिंदी में भी रहा है, लेकिन हम लोग उनको एक जैसा ही जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन का मीनिंग मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन की ओर। मैं एजुकेशन पर जोर ज्यादा नहीं दे रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब किसी चीज के लिए निर्देश दे देना। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि आपको 5 पेज का एक प्रोजेक्ट लिखना है, 5 पेज की आपको कुछ फिगर बनाने हैं और मैं आपको तरीका बता दूं, लेकिन करना आप ही को है। मैंने केवल क्या दिया है आपको, दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे आप कई बार कंपटीशन एग्जाम देने गए होंगे, कंपटीशन का वाला पेपर देखा होगा, तो सबसे पहले कुछ निर्देश लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा कि अंदर आपको गोले काले करने का क्या तरीका है, कि आपको नंबर किस तरह से, नेगेटिव मार्किंग होगी, कैसे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। अब सुनिएगा इनका शिक्षा में क्या है। अब शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सुबह से शाम तक, दिन से रात तक चलती ही रहती है, जन्म से मृत्यु तक, घर पे, बाहर, टेलीविजन पे, अखबार में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं आदमी ज्ञान ले ही रहा है। तो शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इंस्ट्रक्शन हर समय नहीं चलता। इंस्ट्रक्शन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही होता है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं, लेकिन ये केवल और केवल फॉर्मल होता है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ा तो रहा है, पढ़ाने के साथ साथ केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको कि इस काम को ऐसे करना है, इसका केवल ये नॉलेज है। जैसे मैं अभी आपको केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप इसमें समझ लीजिए। अब समझने के बाद आपको अपनी बुक भी देखनी है, नोट्स भी बनाना है, पूरा अपना देख के समझना है। तो मैं आपको इस समय एजुकेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप किताब खोलना, किताब को 16वां पेज मिलेगा, वहां से पूरा अध्ययन करना और उसमें से एक पेज लिख लेना। ये क्या हो गया, अनुदेशन हो गया, जहां इंस्ट्रक्शन देना है, समझ गए, दिशा निर्देश देने हैं, काम नहीं करना, दिशा निर्देश देना है। तो शिक्षा और अनुदेशन का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। और जो अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ सिर्फ एक काम को करवाने के लिए होता है, और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो जीवन भर के लिए बालक को बहुत सारी चीजों को बताने समझाने के लिए होता है। अब शिक्षा बालक की रुचि भावनाओं के अनुसार भी हो सकती है, लेकिन अनुदेशन रुचि इच्छा भावना के अनुसार नहीं होगा। वो तो काम करने का तरीका बताया और बाद बाकी सारा काम आप ही ने करना है। तो शिक्षा अनुदेशन यहां क्लियर। अब देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण क्या होता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग शब्द है, कई बार मुझे कई बालक इस तरह से बोलते मिले हैं, ट्रेंगिन, ट्रेंगिन नहीं, ट्रेनिंग, उसको आराम से पढ़िएगा, TRAINING है। तो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बालक है कहीं ट्रेनिंग करने गया है, किस चीज की ट्रेनिंग है, सब पुलिस की ट्रेनिंग है या किसी और दूसरे विभाग की ट्रेनिंग है। तो जैसे पुलिस की ट्रेनिंग हुई, 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, और 10 माह की ट्रेनिंग के बाद जो एक नौजवान उस ट्रेनिंग में गया था और 10 महीने बाद वहां से क्या निकलता है, पुलिस, पुलिसमैन या SI जो भी बन के निकलता है वहां से,
तो वो किस चीज का प्रभाव है, ये जो ट्रेनिंग हुई है 10 महीने की, इसके अंदर उसको एक प्रशिक्षण मिला है। प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी एक विशेष चीज में विशेष काम के लिए कोई एक कौशल स्थापित करना। एजुकेशन जो होता है वो पूरा प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा एजुकेशन चलता रहता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर चलती है, वो भी कुछ समय के लिए होती है, फिर व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करता रहता है। ये ध्यान रखना, जीवन के कुछ हिस्से में, जीवन के कुछ पार्ट में और कुछ विशेष चीज के लिए दिया गया प्रशिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। एक बार प्रशिक्षण दिया, और जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल जब पुलिस का दिया है तो यहाँ पर समझाता हूँ कि एक बार 10 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनको जॉब के दौरान भी बीच बीच में इन सर्विस ट्रेनिंग छोटी छोटी सी 1 महीने की 2 महीने की रिफ्रेशर कोर्स टाइप के कराए जाते हैं, ताकि वो कुछ नया अपडेट भी करें और पुराने ज्ञान को भूलें नहीं। तो ये किस चीज का हिस्सा हो गया, प्रशिक्षण का हिस्सा हो गया, उस ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया, उस विशेष कौशल से संबंधित कोई चीज हम लोग भूल ना जाए। अब शिक्षा के अंतर्गत तो सारी चीज आ जाती हैं, लेकिन प्रशिक्षण के अंदर जैसे किसी ने मोटर वाहन चलाने का ट्रेनिंग कर रखा है, ट्रेनिंग का कोर्स चला रहा है, या ट्रेनिंग करवा रहा है, या वो ट्रेनिंग सीख रहा है, तो समझे ना, तो वो क्या सीख रहा है, ड्राइविंग सीख रहा है, कोई पार्ट को संभालना सीख रहा है, कोई गाड़ी को रिपेयर करना सीख रहा है, तो उस चीज का एक विशेष ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। अब तीसरा देखिए, शिक्षा और शिक्षण, इन दोनों चीजों में क्या अंतर होगा। तो शिक्षा का मीनिंग तो क्लियर है ही आपको पहले, शिक्षण ये टीचिंग है। अब टीचिंग के अंतर्गत क्या करना होगा, अब शिक्षण को तो आप समझ ही रहे होंगे कि टीचिंग है, टीचन का मतलब पढ़ाना, किसको पढ़ाना, किसी को भी पढ़ाना, पढ़ाने के लिए भी तो कोई बालक चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा तो आदमी की खुद की चल रही है, लेकिन शिक्षण करने के लिए कम से कम 2 लोग आवश्यक हैं, एक टीचर होना चाहिए और एक स्टूडेंट होना चाहिए। तो दोनों के बीच में ही तो चलेगा ये ट्रेनिंग प्रोसेस, और ये प्रोसेस चला करता है कहाँ पर, क्लासरूम में। तो ये किसी न किसी संस्था के द्वारा दिया जाएगा आपको, और ये कहीं भी चलता रहेगा। तो शिक्षण और प्रशिक्षण, यहाँ पढ़ाने का काम है, यहाँ सीखने का काम है, और शिक्षण के अंतर्गत ये दोनों ही चीजें चली रही हैं। अब बात आती है कि जब तक आदमी है जीवित तब तक शिक्षा की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन शिक्षण कब तक चलेगा, जब तक शिक्षक और छात्र दोनों आसपास रहेंगे। अगर ये संपर्क टूट गया तो शिक्षण की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो शिक्षण कब तक चलेगा, जब तक टीचर स्टूडेंट के संपर्क में है, ये भी क्लियर होगा। आगे देखिए, शिक्षा और विद्यालयीकरण। अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि विद्यालयीकरण क्या होता है। दूसरी चीज मैं यहां बीच बीच में आपको बताता चलूं, हालांकि सब लोग आप विद्वान हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए, ये विद्यालय बोल देते हैं, ये विद्यालय नहीं होता, ये विद्यालय। द और य से मिलकर बना है ये विद्यालय। तो ये ध्यान रखना, विद्यालय जो बोलते हैं वो ध बोल देते हैं, वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। ध धनुष नहीं, द और य है, जिसमें आधा द और य, इस तरह से है विद्यालय। तो ये द और य इसके अंतर्गत मिले हुए हैं, तो विद्यालय होता है ये। तो शिक्षा और विद्यालयीकरण, तो एजुकेशन एंड स्कूलिंग। अब एजुकेशन का मीनिंग तो क्लियर है ही है, उसको बार बार मुझे नहीं बताना है। और स्कूलिंग आ जाता है, स्कूलिंग शब्द स्कूल से ही बना है, स्कूल और स्कूलिंग। तो स्कूल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, स्कूल क्या होता है, और उसी से होता है। तो इसमें मेन चीज क्या है वो मैं आपको बता दूं, बना तो स्कूल शब्द से ही है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है स्कूलिंग का, विद्यालय में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा है। जब बालक 2-3 वर्ष का होता है तो उसके माता पिता उसे विद्यालय भेज देते हैं, और इसी के साथ उसका विद्यालयीकरण शुरू हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए, एक फिगर बनाता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे बालक है, और बालक का 2-3 साल का हुआ, यहां तक लाइफ कटी उसकी, जैसे 4थे साल में आता है और उसको भी स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल में जाने के बाद वो थोड़े दिन बाद फिर कॉलेज में चला गया जी, कॉलेज के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी चला गया। तो उसका जीवन ये क्या हो गया, विद्यालयी जीवन हो गया।
तो यहाँ के बाद यहाँ जो औपचारिक शिक्षा उसको मिल रही है, फॉर्मल एजुकेशन, ये सब उसके विद्यालयी जीवन पे आधारित है। और जो इस ये जो लाइफ का जो पार्ट है, ये जब खत्म हो जाएगा तो बालक कहाँ पहुंचेगा? फिर अपने घर पे पहुंचेगा। और ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग चल ही रही है। फिर उसको बार बार बताना, फिर वही, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, यहां से यहां तक, लास्ट तक, जन्म से मृत्यु तक चल रही है। लेकिन जो स्कूल से मानने वाली शिक्षा है, वो केवल स्कूलिंग एजुकेशन है। तो जो विद्यालय में बिताया गया जीवन है, वो विद्यालयीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। और सामान्य समाज में बिताया गया जीवन, वो हमारा सब शिक्षा के अंतर्गत, हालांकि सब शिक्षा के ही हिस्से हैं, ये कोई अलग नहीं है, लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा सा जो आप आगे पढ़ेंगे समझेंगे, तो इसलिए बताना ज्यादा उचित है। इसलिए मैंने इन सारे टॉपिक को लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, विद्यालय और प्रतिपादन और शिक्षा और ज्ञान का। अब प्रतिपादन का मतलब आप थोड़ा सा समझते होंगे कि उस विद्वान ने इस नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है? तो उसी चीज से समझ लीजिए कि शिक्षा तो हमारी लाइफ लॉन्ग है ही है, लेकिन प्रतिपादन का मतलब होता है किसी एक विशेष नियम का या सिद्धांत का उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया क्या योगदान है। इसको अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हो, किसी विशेष व्यक्ति का उसके मत के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रतिपादन कहेंगे। तो प्रतिपादन ने, अब क्या है ये, एक कोई नियम है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत ही ले लो, ठीक है? तो आर्किमिडीज क्या था, उसके प्रति आस्था थी, कुछ विश्वास था, और उसने एक नियम तैयार कर दिया। और उस नियम के प्रति जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो सबके प्रति जागृत कर दिया। आज वो सिद्धांत किसके नाम है प्रतिपादित? आर्किमिडीज साहब के। तो ये प्रतिपादन करना है, किसी ज्ञान के क्षेत्र में कोई नया काम करना या किसी नियम को उसको समाज के सामने लेके आना है। तो ये भी शिक्षा का हिस्सा है, तो ये भी ज्ञान का हिस्सा है, तो ये भी सिद्धांत का हिस्सा। लेकिन जो प्रतिपादन किया है, ये शिक्षा के अंतर्गत ही है। ये जितने पार्ट आपको समझाए जा रहे हैं, शिक्षा के अंतर्गत ही हैं। तो ये प्रतिपादन, इंडोक्ट्रिनेशन, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला आता है शिक्षा और ज्ञान का। तो ये भी, ये टॉपिक तो अभी आगे और पढ़ाया जाना है डिटेल में, तो थोड़ा सा बस इसको समझा दूं कि ये नॉलेज होता है ज्ञान, और ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। वो अब आपको समझेंगे पूरा डिटेल से। स्थूल ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान होता है, दृश्य अदृश्य ज्ञान होगा, तो उसमें कई तरह की चीजें मिलेंगी। तो इस टॉपिक का तो खैर पूरा डिटेल से ही बाद में पढ़ाना है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान दोनों चीजें ही अलग अलग हैं। अब आपको एक छोटा सा मैं आपको समझा दूं कि ये जो शिक्षा है, ये इसके अंतर्गत ऐसे मान लीजिए ये पूरा शिक्षा है, और इसके अलग 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 जो पार्ट हैं, ये सभी सब इसके अंतर्गत है, जो मैंने अभी समझाए हैं, या कोई भी दूसरी चीज हो सकती है, वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो कुछ विशेष अलग नहीं है, थोड़ा सा शब्दों का अंतर था, मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया है। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो। Till then, take care, students.